नमस्कार दोस्तों, यह है मेरे पास वीवो B27, जिसके ऊपर दोस्तों मैंने अभी 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी अपडेट को लेके। तो दोस्तों इस फ़ोन में एक नया अपडेट फिर से आ चुका है, जो कि दोस्तों काफ़ी लेटेस्ट है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मैं आपको इस अपडेट के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी देना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों देखिए, मैंने 2 दिन पहले आपको एक वीडियो दी थी जिसमें हमारा जो सिक्योरिटी पेज लेवल है वो अपडेट हो गया था अभी। लेकिन दोस्तों जो अपडेट आया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने अपडेट किया नहीं है, मैंने सोचा पहले एक वीडियो बनाऊँ उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो मैंने दोस्तों इस अपडेट को, जिसका साइज है दोस्तों करीब 2.5 GB के समथिंग का, 2.26 GB, दोस्तों इस अपडेट में हमें क्या मिलता है वो मैं आपको बताता हूँ। इस अपडेट में दोस्तों हमें मिलता है एंड्रॉयड 14 का अपडेट और फ्रंट टच OS 14। यानी दोस्तों इसमें हमें डबल अपडेट देखने को मिलते हैं कि हमारा ये फ़ोन फ्रंट टच OS 14 प्लस एंड्रॉयड 14 के ऊपर चलेगा। दोस्तों इसमें हमारा काफ़ी कुछ चेंजेस होने वाला है इस अपडेट को करने के बाद, जैसे कि आपका लॉक स्क्रीन जो लॉक है, जो हमारी लॉक होने के बाद जो टाइम वगैरह देखते हैं उसमें कुछ चेंजेस हो गए मिलेंगे डिजाइन में। आपका दोस्तों जो एल्बम है जिसमें आप फोटो गैलरी वगैरह देखते हो उसमें आपको चेंजेस होकर मिलेंगे, और दोस्तों काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होकर मिलेंगे एंड्रॉयड 14 के अंदर आपको। जैसे कि आप देख सकते हो कंट्रोल सेंटर है, ऑल ओवर डिस्प्ले है, और दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मतलब इसमें आपको अच्छे अच्छे फीचर देखने को मिल सकते हैं। तो बट दोस्तों मैंने इसको सिर्फ डाउनलोड किया है, इस साइज को डाउनलोड कर लिया है, अभी मैंने इसको रिस्टार्ट नहीं किया यानी इंस्टॉल नहीं किया। मैंने सोचा पहले आपको बता दूं कि इस अपडेट में हमें क्या दिक्कत आ सकती हैं। तो मैं आपको बताऊं कि दोस्तों ये जो अपडेट है ये है दोस्तों एंड्रॉयड 14 और फ्रंट टच OS 14। दोस्तों इस अपडेट को करने से आपके फ़ोन में सबसे पहली दिक्कत आएगी वो है दोस्तों बैटरी को लेके। आपके फ़ोन में हल्की सी बैटरी ज़्यादा ड्रेन हो सकती है पहले के मुताबिक, क्योंकि ये जो सिस्टम है ये अभी जो आपके फ़ोन में चल रहा है उससे थोड़ा ये पावरफुल है, तो आपके फ़ोन में हल्की सी बैटरी ड्रेन ज़्यादा हो सकती है। और प्लस दोस्तों आपका फ़ोन पहले के मुताबिक थोड़ा लैग कर सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कोई भी मोबाइल हो जब उसमें हमें एंड्रॉयड सिस्टम को लेकर कोई अपडेट मिलता है तो हमारा फ़ोन हल्का सा लैग करने लग जाता है, और फिर कुछ ही दिन बाद कंपनी एक नया अपडेट दे देती है छोटा सा, जिससे हमारे जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है। बट अभी दोस्तों हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारे फ़ोन में थोड़ी लैगिंग हो सकती है। और दूसरों सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपके फ़ोन में ज़रूरी कोई डाटा है जिसे आप दोस्तों मिस नहीं करना चाहते, तो इस अपडेट को इंस्टॉल करने से पहले आप उस डाटा को अपने किसी और डिवाइस में कॉपी कर लें, जिससे आपको डाटा लॉस होने की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। क्योंकि दोस्तों जो अपडेट है काफ़ी बड़ा है, ऐसा हो सकता है कि आपका जो डाटा है दोस्तों वो मिस हो जाए। तो दोस्तों बस यही बताना था, अगर आपके फ़ोन में ये अपडेट आ चुका है तो फटाफट से इंस्टॉल कर लो, और इसमें क्या क्या नए फीचर देखने को मिलते हैं, क्या क्या अच्छा लगा आपको, ये मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ दोस्तों अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।